नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रेशमी विद्यान फिर हाजिर होगी एक नई रेसिपी लेकर, तो उसको देखिए और उसका आनंद लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने कलेजी मसाला करी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि इतना खाने में यमी लगता है, अगर आप एक बार खाएंगे तो इतना मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। इस कलेजी मसाला करी को बनाना भी बहुत आसान है, मतलब बिगिनर्स और बैचलर्स भी इजीली बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो भी मैं छोटे मोटे से टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, उसे वीडियो को बिना स्किप किए फॉलो करें। तो इस कलेजी मसाला करी को एक बार घर पर बनाना तो बनता है यार। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स करके जरूर से बताएं। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल के आइकन को जरूर से प्रेस करें, जाके मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब इस कलेजी मसाला करी को बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे गरम कर लें और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें 1 तेज पत्ता डालें, 3 बड़े साइज के प्याज को इस प्रकार से बारीक काट कर डालें और हरी मिर्च को इस प्रकार से चीर कर और काट कर डालें। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग लें। तो अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में चलाएं और ढक्कन को इस प्रकार से बंद कर करके और थोड़ा थोड़ा देर में इस प्रकार से ढक्कन को खोल कर चलाएं। इस प्रोसेस को तब तक करते रहना है जब तक प्याज बिल्कुल से कुक होके फ्राई ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम में क्यों फ्राई करें, हाई फ्लेम में भी प्याज फ्राई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज हाई फ्लेम में फ्राई तो हो जाएंगे, ये कुक नहीं हो पाएंगे, बस सुनहरा होंगे। हमें प्याज को गलाना है और फ्राई भी करना है, क्योंकि कुकर बंद करने पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है कलेजी को कुक होने में। प्याज अच्छे तरीके से कुक होके फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे थोड़ा चलाएं और फिर इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और अब फ्लेम को हाई करके इसे अच्छे तरीके से 1 मिनट फ्राई करें। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई नहीं हो जाते हैं तब तक इसे चलाते रहे। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरीके से फ्राई हो जाए तो इसमें 1 kg कलेजी डालें। ये चिकन का कलेजी है, मटन का कलेजी नहीं है। मैं आज चिकन का कलेजी बनाना सिखाऊंगी आपको। तो अब इसे मिक्स करें और स्वाद अनुसार नमक अभी डालें, जिससे कलेजी जल्दी से कुक हो जाएगा। तो अब इसे चलाएं और लो फ्लेम में इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएं। पांच मिनट हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा चलाएं और फिर इसमें एक एक करके 1 टेबलस्पून दही डालें। ये खट्टी दही है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपके पास दही खट्टी नहीं है तो 2 टेबलस्पून दही डालें। तो अब 2 टीस्पून फ्रेश गरम मसाला का पेस्ट डालें। आप 2 टीस्पून फ्रेश गरम मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं, बस फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश से फ्लेवर अच्छा आता है। तो अब उसी गरम मसाले की पेस्ट वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर कुकर में डालें, ताकि मसाले वेस्ट ना चले जाए। अब 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालें और 1/3 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। ये मैं रंग के लिए डाल रही हूँ, आप तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब इसे अच्छे तरीके से चला के सारे मसालों को कलेजी में कोटेड कर दें और लो फ्लेम में ढककर 5 मिनट के लिए और छोड़ दें। पांच मिनट हो चुका है, कलेजी ने भी अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है, कलेजी भी थोड़ा सा कुक हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा चलाएं और फिर इसमें 1/2 ग्लास पानी डालें।
आप इससे कम भी पानी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी बहुत थिक चाहिए तो। तो अब नमक डालें। नमक को संभल के डालें क्योंकि पहले भी नमक डाला गया है जब कलेजी को डाला गया था। तो आप चाहे तो इस टाइम नमक को स्किप भी कर सकते हैं। और अब आखिरी में आवश्यकता अनुसार बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर ढक्कन को बंद कर हाई फ्लेम में एक सीटी बजाए और मीडियम फ्लेम में दो सीटी बजाकर फ्लेम को ऑफ कर दें। टोटल 3 सीटी बज चुका है, फ्लेम भी ऑफ हो चुका है और अब कुकर का सारा वेपर निकल जाने के बाद ही कुकर को खोलें। और जब कुकर का सारा वेपर निकल जाए तो ढक्कन को खोलें। वाओ, आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा है, ग्रेवी का कलर भी बिल्कुल से चेंज हो चुका है, इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया सा यमी यमी सा आ चुका है, देखने से ही खाने का मन कर रहा है और इसकी खुशबू भी पूरा फैल चुका है। मैं आपके सामने एक कलेजी चेक करके दिखा दी कि कलेजी कितना बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है। क्यों, आ गया ना मुंह में पानी? तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने सुपर यमी कलेजी मसाला करी बनके तैयार हो चुका है जिसकी खुशबू से ही आप खाने के लिए दौड़ते हुए चले आएंगे। तो इस रेसिपी को चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही यमी लगते हैं। तो इस रेसिपी को आप बनाकर फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।